दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत की आज हुई पहली बैठक। केजरीवाल की तबीयत खराब होने की वजह से शपथ ग्रहण के बाद होने वाली कैबिनेट की पहली बैठक टल गई थी। दिल्ली के शहादरा इलाके में शनिवार को कुछ झुग्गियां तोड़े जाने के खिलाफ आज दिल्ली के वजीर आजम अरविंद केजरीवाल के कौशाम्बी रिहायशगाह के बाहर आवाम ने किया प्रदर्शन। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, श्रीलंकाई सदर के हिंदुस्तान दौरे से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। अमित शाह के बेटे के रिसेप्शन में पहुंचे हिंदुस्तान के सदर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी। शिवसेना ने बीजेपी पर फिर किया हमला, कहा माझी का साथ देना गलत। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में तृणमूल को बढ़त। संजीव चतुर्वेदी ने खोला मरकजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा। चतुर्वेदी ने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत उनके कार्डर में बदलाव की राह में गैर कानूनी रुकावट डाल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में दोषी की उम्र कैद बरकरार रखते हुए कहा शादी के वक्त की गई मांग ही दहेज नहीं। पहली बार अबू सलेम मर्डर केस में हुआ दोषी करार। मुंबई के टाडा कोर्ट ने अबू सलेम को बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में दोषी करार दिया। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, घुसपैठ की भी हुई कोशिश। शिवरात्रि के लिए 29 हिंदुस्तानी पाक पहुंचे। हिंदुस्तान में लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी A7 स्मार्टफोन। पेट्रोल डीजल हुए महंगे, आधी रात में लागू होंगी बढ़ी कीमतें। IPL 8 की नीलामी में रिकॉर्ड 16 करोड़ रुपए में बिके युवराज सिंह। वर्ल्ड कप में हुआ बड़ा उलटफेर, आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराया। महेंद्र सिंह धोनी का बयान, पाकिस्तान को हराने के बाद वर्ल्ड कप में दबाव हुआ कम। रविवार को हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीमों के बीच हुए वर्ल्ड कप मैच के दौरान अमिताभ बच्चन ने की कमेंट्री, कहा उम्मीद है मैं और कमेंट्री करूं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 76 रन से हराकर जीत से किया आगाज। पाकिस्तान बोला हिंदुस्तान से नहीं, गलत एम्पायरिंग की वजह से हारे मैच। युवराज सिंह का बयान, महेंद्र सिंह धोनी ने युवराज को वर्ल्ड कप टीम में चयन से रोका। अब और सुरक्षित बनेंगे हेलमेट, क्रिकेट के हेलमेट बनाने वाली एक कंपनी का दावा है कि उसके नए हेलमेट से बल्लेबाज ज्यादा महफूज रहेंगे। बॉल से दूर हुए टाइगर वुड्स, उनके मुताबिक फिलहाल वो टूर्नामेंट खेलने के लिए खुद को अच्छा महसूस नहीं कर रहे। IAS ने एक वीडियो में मिस्र के 21 बंधकों के सर कलम करने का किया दावा। इंफोसिस 20 करोड़ डॉलर में खरीदेगी अमेरिकी कंपनी पनाया। फ्रांस में अब यहूदियों की कब्रों पर हो रहा है हमला। जर्मनी की सरहद में लगे पूर्वी फ्रांस के कब्रिस्तान में सैकड़ों यहूदी कब्रों के साथ हुई तोड़फोड़। दुनिया का सबसे ऊंचा त्रिशूल नेपाल में, ये त्रिशूल नेपाल के डांग जिले में मौजूद है। इसका वजन 8000 किलो है। चीन में अब पुलिस को आपराधिक मामलों में की जाने वाली सारी पूछताछ को रिकॉर्ड करने के मिले हुक्म। ब्रिटेन में हाल ही में खुला पहला 4D थिएटर।